मान्यवर कांशीराम साहब के अल्फाजों में वो भी तो शूद्र समाज के हैं, लेकिन वो उनकी मानसिकता दूसरी रही, बीजेपी के लोग रहे वो लोग, तो उन्होंने ब्राह्मणवादी मानसिकता के तहत उनकी मानसिकता ग्रसित रही और इस तरह का किया। नहीं तो दलित लोग और दलितों में कुछ पर्टिकुलर कौमें हैं जो आज ये समझ गई हैं, और मैं तो उनके लिए भी कह रहा हूँ कि जो इंडिया में मुसलमान हैं वो मुसलमान इनका रिश्तेदार है, नकद रिश्तेदार है। कैसे रिश्तेदार है कि जब इधर 620-720 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम आए थे, वो 12-13 बैचलर साथियों के साथ आए थे और व्यापार करने के मकसद से आए थे, वो कंवारे आए थे तो यहीं की लड़कियों से शादी की, और हमारे दलित समाज की बहन बेटी तो इस मामले में दूर रही हैं, क्योंकि न खाने को न कुछ, न सुंदरता न कुछ, तो उनको किसी ने पसंद नहीं किया। और आज जो ये चीख चिल्लाट कर रहे हैं, जोधा को जब अकबर साहब ब्याह करके लाए तो ज़बरदस्ती नहीं लाए, जोधा के बाप ने तो पूरा नाच कूद करके ये कहा है कि मैं धन्य हूँ जो राजा अकबर को मेरी बेटी पसंद आई है। तो 620-720 ईस्वी में जो 12-13 बैचलर साथियों के साथ मोहम्मद बिन कासिम आए, उन्होंने यहीं की लड़कियों से शादी की और उनसे जो औलादें हुई, मान लीजिए इनकी गीता के मुताबिक उस दौरान भी मैं, चूँकि इनकी गीता कहती है जन्म जन्मांतर का, तो यदि उस जन्म में मैं भी आदमी हुआ और मैं भी ब्राह्मण हुआ या क्षत्रिय हुआ या वैश्य हुआ और मेरी बेटी से अगर रिश्ता हुआ उस दौरान, तो आज का मुसलमान मेरा देवता लगा, और अगर मेरी बहन से रिश्ता हुआ तो मेरा भांजा लगा, और यदि चाची ताई दादी से अगर दोबारा शादी हो गई तो उससे भी कोई ना कोई भाई चाचा का रिश्ता तय हो गया। तो ये जो चीख चिल्लाहट हमें तो भिड़ाते हैं, हमें तो भिड़ाते हैं कि मुसलमान बड़ा काफिर है, लेकिन अपनी लड़कियों को और बहन बेटियों को उनको ब्याहते हैं। आज की डेट तक मैं थोड़ी ना कह रहा हूँ, इतिहास साक्षी है, देख लीजिएगा कितने कलाकार हैं फिल्म इंडस्ट्री के, उनके लिए कौन है, सब इन्हीं की बहन बेटियां हैं। अशोक सिंगल साहब चले गए, विश्व हिंदू परिषद वाले अब्बास नकवी साहब के साथ हैं, तो ऐसे करके जब देखा जाए तो इनके तो नकद रिश्तेदार हैं, लेकिन ये कहीं उन बहन बेटियों की गलती को, जिन्होंने इनसे प्यार मोहब्बत करके शादी की, उसका बदला लेने के लिए हमारे समाज के जो अभी ना समझ लोग हैं उनका सहारा लेकर के भले भिड़ाने का काम करें, नहीं तो बाद बाकी मेरा समाज अब कुछ कुछ जागृत हो गया है, चौकन्ना हो गया है, और जितने चौकन्ने हो गए हैं, जागृत हो गए हैं, उतने आज इस काम में शामिल नहीं होते।